भारतीय जनता पार्टी को हरियाणा के लोग सिरे से खारिज कर रहे हैं, नकार रहे हैं, नफरत करने लगे हैं भारतीय जनता पार्टी से। इसलिए भारतीय जनता पार्टी अब दंगों का षड्यंत्र रच के समाज को बांटना चाहती है, नफरत फैलाना चाहती है और उसके ऊपर राजनीति करना चाहती है। पूरा देश जानता है कि आज के दिन में कौन सी पार्टी है जो दंगे कराती है, कौन सी पार्टी है जो देश को आग में झोंकती है, कौन सी पार्टी है जो लोगों को आपस में लड़ाती है। ये लोग खुद ही पहले माहौल खराब करते हैं, खुद ही दंगे फैलाते हैं, उसके बाद खुद ही झूठी FIR दर्ज करते हैं दूसरी पार्टी के नेताओं के खिलाफ। जावेद अहमद हमारी पार्टी के एक नेता हैं, उनके खिलाफ झूठी FIR दर्ज की गई है नूह के मामले में। उस समय जब ये घटना हुई जिसका FIR में जिक्र है, वो हमारे लीडर जावेद अहमद वहां से 100 से 150 किलोमीटर दूर किसी जगह पर थे। उनके पास सबूत भी हैं, उनके पास रास्ते के वीडियोस भी हैं, उनके पास मोबाइल लोकेशन भी है, सारे प्रूफ, सारे लोगों की गवाही पुलिस के सामने रख दी गई है। हम किसी भी तरीके की जांच से हमें कोई परहेज नहीं। जावेद अहमद के खिलाफ जो जांच करनी हो पुलिस को करे, जो जांच सरकार को करनी है करे, किसी न किसी निष्कर्ष पे पहुंचे। लेकिन जब जांच कर रही है सरकार तो फिर इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि जिस दिन ये दंगे हुए उस दिन 100 से ज्यादा नूह जिले के पुलिसकर्मियों को मुख्यमंत्री जी ने VIP ड्यूटी पर दूसरे जिले में क्यों बुला लिया था। जिस वक्त ये दंगे हुए उस वक्त पुलिस अधीक्षक की छुट्टी मुख्यमंत्री जी ने क्यों मंजूर की। पुलिस अधीक्षक जैसे सीनियर अधिकारी को उस वक्त वहां होना चाहिए था, उनकी छुट्टी कैंसिल करनी पड़े चाहे, उस वक्त में उनको छुट्टी क्यों दी गई। और जिस वक्त में ये दंगे हुए उससे 10 दिन पहले CID कह रही है कि हमने इसकी जानकारी दे दी थी, CID CM को रिपोर्ट करती है। आज हरियाणा के गृह मंत्री कह रहे हैं कि ना उनको CID ने रिपोर्ट दी, ना पुलिस को रिपोर्ट दी CID ने, तो मुख्यमंत्री जी ने CID की रिपोर्ट को छुपा करके क्यों रखा, क्यों नूह के अंदर दंगे होने दिए। फतेहाबाद के एक होमगार्ड जिनकी कच्ची ड्यूटी है उनको फतेहाबाद से नूह जिले में मरने के लिए क्यों भेजा गया बिना पुलिस ट्रेनिंग के। इन सारी बातों की भी जांच होनी चाहिए और इसमें किसका सीधा हाथ है। क्या मुख्यमंत्री खुद इस दंगे को करवाने में शामिल हैं, क्या भारतीय जनता पार्टी के नेता इस दंगे को भड़काने में शामिल हैं, इसकी भी सीधे तौर पर जांच होनी चाहिए अगर जांच हो रही है तो।